हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ और दुर्गा छत्री ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग को मैं फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। और आज मैं दिन भर में क्या क्या करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने पूरा घर को झाड़ू मार के और उसके बाद मैं पूरा पोछा मारने के लिए चली आई आगे तरफ। और ये देख सकते हैं मैं पोछा मार रही हूँ। आज मैंने पूरा घर को साफ किया। पोछा मार के मैं सीधा किचन चली आई। मुझे फ्रिज साफ़ करना था तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से फ्रिज को साफ कर लिया। और फ्रिज के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको भी मैंने निकाल कर साफ कर लिया। दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने पूरा साफ करके सामान को मिला लिया। ना क्लीन हो चुका है मेरा फ्रिज। दोस्तों अभी मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं किचन में चली आई। मुझे खाना बनाना था दिन के लिए, तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। और उसी के साथ मैंने चावल को चढ़ा दी है। और यहाँ पर मैं पलवर की सब्जी फ्राई कर रही हूँ। और आगे मैं दिखाते जाऊँगी, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अभी मैं पनीर को कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। पनीर काट के रेडी हो चुका है। अभी मैं टमाटर काटने वाली हूँ। एक टमाटर लिया है मैंने पनीर के लिए। और दो हरा मिर्च लिया है छोटे छोटे करके काटूंगी मिर्च को। और यहाँ पर मैंने छोटा सा अदरक भी लिया है। अभी मैं पनीर बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं डालूंगी मिर्च। ये देख सकते हैं मैंने मिर्च डाल लिया और अदरक भी मैंने डाल दिया है अभी।
और दो तेज पत्ते, अभी मैं डालूंगी टमाटर, दोस्तों पनीर को बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, झटपट से बन जाती है पनीर। अब मैं मसाला ऐड करूँगी, यह जीरा पाउडर और मैंने हल्दी डाला, यह धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैंने पनीर मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि अभी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है यहाँ पर। मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। थोड़ा मैं गर्म पानी डालूंगी, नहीं तो मसाला जल जाएगा। थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ टमाटर को, उसके बाद मैं पनीर ऐड करूँगी। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अभी मैं पनीर ऐड करूंगी, यहाँ पर टमाटर गल चुका है, अभी मैं पनीर डाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ढक के पकाऊंगी पनीर को और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं पनीर पक के रेडी हो चुका है, और इसमें मैंने मान धनिया को भी कट के रखा हुआ था तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। मैं हर वक्त मान धनिया को यूज करती हूँ, दाल में हो या सब्जी में या चटनी बनाने में हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं हर टाइम यूज़ करती हूँ मान धनिया को। पनीर बन के रेडी हो चुका है, अभी मैं इसे उतारने वाली हूँ। दोस्तों आज मैंने अचार में बनाया है काकड़ी और गुंदरूप के अचार। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुंदरूप क्या है, गोरखा लैंग्वेज में हम इसे गुंदरूप कहते हैं, और ये मूली की साग से बनती है और बहुत ही टेस्टी अचार बनता है इसका। दोस्तों मैंने पूरा काम ख़त्म करके और खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अभी मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ। और कहाँ जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ, वो भी आप लोगों को वीडियो में पूरा दिखाती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, और सारे बहन लोग आ चुके थे मीटिंग के लिए क्योंकि आज वीओ का मीटिंग था। और इधर देख सकते हैं हमारी मैम आई हुई थी, तो वो हमें कुछ समझा रही थी बातों को। आई होप अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बाय।